नगर निगम द्वारा अवैध रूप से लगने वाले बाजारों एवं फड़पट्टी वालों पर शिकंजा कसते हुए बाजार हटाने की चेतावनी दे डाली। नगर निगम के इस फैसले से फड़पट्टी वालों एवं बाजार लगाने वालों पर घर परिवार चलाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस की मदद से थोड़े थोड़े ये बाजार फिर से लगने लगे हैं। लेकिन पुलिस वालों के द्वारा ये फड़पट्टी वालों पर बाजार हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर जीविका बचाओ आंदोलन समिति के बैनर तले फड़पट्टी ठेला खोमचा ई रिक्शा वालों ने कल शहीद पुलिस के खिलाफ जिला मुख्यालय पर आकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। जी अच्छा, किस चीज को लेकर आज ये प्रदर्शन? देखिए, ये पिछले काफी लंबे समय से पुलिस प्रशासन ठेले फड़ वालों को उजाड़ रहा है। उनका सामान नाली में फेंक दिया जाता है, उनका सामान भर के ले जाया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती हैं भद्दी भद्दी, और उनको उनका कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है। अभी कल ईदगाह पर कल शहीद पुलिस ने ये चेतावनी दी कि आप लोग जो है यहाँ से अपना सामान भर कर ले जाए, नहीं तो पुलिस सामान भर कर ले जाएगी और आप लोगों को जबरदस्ती उतार दिया जाएगा। ये जो पुलिस का रवैया है ये एक लंबे समय से चल रहा है, और जो है पहले हमारा आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये इस शहर के लोग, गरीब लोग आखिर कहाँ जाएंगे? अब उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनका परिवार कैसे चलेगा, ये हम ये पूछना चाहते हैं। तो हम आज यहाँ आए हैं प्रदर्शन करके, हमने पूरे शहर में पूरी जनता को ये बताया है कि हमारे शहर की जो पुलिस है किस तरीके से आम लोगों पर अत्याचार कर रही है। हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, हम एसएसपी साहब को ज्ञापन देंगे, और जो है हम मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में ज्ञापन देंगे, इसलिए हम यहाँ लोग आए।